विवेक अग्निहोत्री ने एक बार फिर से जो है बहुत ही बड़ी बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि कंगना ने जिस बॉलीवुड माफिया की बात की, आप सभी जो है वही काम करके उसको ये बात सच साबित कर रहे हैं कि हाँ बॉलीवुड में माफिया तो है, तभी तो ए लिस्टर्स सारे चुप बैठे हैं। और इस पर कंगना की ओर से भी एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। तो क्या है विवेक का कहना, मैं हीना कुमावत आपको फिल्म इंडो पर बताऊंगी। दरअसल विवेक अग्निहोत्री उन्होंने कल भी इस बात का खुलासा किया था कि बॉलीवुड की जो व्हाट्सएप चैट है उस पर क्या क्या और कैसी कैसी बातें कंगना को लेकर हो रही हैं। अब वो लिखते हैं, एक अकेली हीरोइन ने बॉलीवुड के अनैतिक कारनामों के खिलाफ जरा सी आवाज़ क्या उठा दी, सारे बी से जेड गैंग के लोग आ गए उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने और चीयर लीडर्स गुलामों को बचाने। ए ग्रेड क्यों नहीं आए, वो यही कह रहे हैं कि बी से जेड ग्रेड, बी ग्रेड आप समझ ही गए होंगे। फिर वो आगे लिखते हैं, मूर्ख इतने अव्वल दर्जे के कि उसकी बात को ही साबित कर दी कि हाँ एक माफिया तो है। तो उन्होंने कहा कि क्यों एलिस्टर्स चुपचाप बैठे हैं, बाकी यही सब क्यों आ रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि हाँ जो कंगना बात कर रही है माफियागिरी की वो वाकई में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जिसमें कंगना का बयान आता है वो जो है अपने आजू बाजू के लोगों को भेजेंगे, क्योंकि ए लिस्टर्स जो है वो ट्रोल नहीं होंगे और ये जो बी लिस्टर्स हैं सारे बी फूल्स वो हैप्पीली ट्रोल हो जाएंगे और एक्सपोज दैट टू फॉर पेटी फेवर्स फ्रॉम माफिया, और एक्सपोज हो जाएंगे सिर्फ इस बात के लिए कि उनको जो है उन माफियाओं से छोटे मोटे फेवर्स मिलते हैं। लेकिन हम जो है इन सारे मुद्दों को भटकने नहीं देंगे, जो हमारा रियल इशू है कि सुशांत के लिए हमें जस्टिस चाहिए और मेरी जो लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है वो इसी के लिए है। तो एक बहुत बड़ी बात जो है बोली है विवेक अग्निहोत्री ने। उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें यही साबित कर रही है, कंगना की बातों को ही साबित कर रही हैं कि हाँ बॉलीवुड में एक माफिया है जो ये सारा काम जो है करता है और इसीलिए ए लिस्टर जो है सारे चुपचाप बैठे हुए हैं और बाकी सब आगे आ रहे हैं।